हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आज दिखा दूँ आज हमारे घर में कौन आया है। ये मेरी बुआ का लड़का है अजय, तो ये सुबह सुबह आ गया था मेरे पास। तो यहाँ पे हम ज्योति के मजाक उड़ा रहे थे कि तू अपना वेट देख, तू बहुत मोटी होती जा रही है। तो बस यही सब चल रहा था। फिर उसके बाद मैं बता दूँ हम कहाँ गए। हम गए पटेल चौक, यहाँ पे थी ताई और सामने वाली आंटी और मेरी मम्मी। हम सारे पहले पीने गए चाय, क्योंकि सुबह से हम वहीं पे थे बैंक में। तो हम सारे चाय पीने गए, वहाँ चाय पीने लगे तो ऐसे सब हंस रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि छोटा मोटा ट्रिप है, कहीं बाहर आए हैं, इंजॉय करने लगे हम। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भी चाय पी। फिर यहाँ पे आंटी ने बोला कि मैंने तो चाय पी ली है तो मैं निकलती हूँ, तुम वहीं मिलना मुझे। फिर उसके बाद हम बस चाय पी के निकल ही रहे थे तो एक ट्रेजेडी हो गई। मम्मी ने ना फ़ोन इसी ऑटो में छोड़ दिया, और फिर उसके बाद हम इतना परेशान हुए। फिर फाइनली ऑटो वाले ने हमें वो फ़ोन दे दिया। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद ये इतनी लंबी लाइन थी पैसे एक्सचेंज कराने की। पर सच बताओ, यहाँ से हम लोग सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, और इतना मज़ा आता है यहाँ पे। यहाँ पे बुआ भी थक रही थी, मैं भी और मेरे चाचा भी। फिर उसके बाद आज तुलसी विवाह था, तो फिर हम तुलसी विवाह देखने गए। तो यहाँ पे देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। उसके बाद मैं तो भाई गई और जो मांगना था विश मांगी। उसके बाद यहाँ पे बारात आ चुकी थी, तो यहाँ पे तुलसी विवाह हो ही रहा था। भगवान ने भी सेहरा पहना हुआ था, इतना अच्छे लग रहे थे ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कौन डांस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इतना मज़ा आ रहा था। देखते देखते पता ही नहीं चला कि कितनी रात हो गई, और मैं इतना थक रही थी, बहुत ज़्यादा थक रही थी। फिर भी मैंने तुलसी विवाह देखा और वहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद लेके फिर मैं घर आ गई। उसके बाद ज्योति की बुकिंग आ रखी थी, और ज्योति को बुकिंग कराने के लिए ना यहाँ पहले ही बुक करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑफिस जाती है, ऑफिस जाने के बाद ये आगे मेकअप करती है। इसका मेकअप फिर भी मैंने इसको सिखा दिया बहुत अच्छे से कि ऐसे करना वैसे करना, मैंने सिखा दिया। फिर यहाँ पे आया बुआ का प्रोडक्ट जो मैंने उसे गिफ्ट किया था। मैंने ना उन्हें दिवाली में दिया था, दिवाली वाला सूट उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने दोबारा मंगवाया, तो ये दूसरा सूट आया। और आपको बता दूंगा इस बुआ को ये भी पसंद नहीं आया। बुआ ने बोला मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये भी मुझे वापस करना पड़ा। उसके बाद आधी रात हो गया यार, मैं भूल गई थी कालू को दूध पिलाना, तो मैं भाई हूँ, मेरा रोज का नियम है कि कालू को दूध दूँ, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया ये। पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी को दूध मिले और दूसरे कुत्तों को ना मिले, क्योंकि वो काफ़ी मोटे हैं, तो मैं सोचती हूँ कालू को ही मिले। ये अब ये पी लेगा, ये कटोरी उठा के ले जाऊँगी मैं।